Welcome students, welcome to Maxwell Study Hub. We were discussing about life processes. Usme se nutrition or digestion we have already completed. Now it's time to start with the another life process, that is respiration. As I've already told you ki digestion mein kya hua tha, aapne rice khaya, आपने बिग मॉलिक्यूल को लिया, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, सो दैट इट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. एंड यस, हमारा डिस्कशन तब खत्म हुआ था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय थे, प्रोजेक्शंस थे फिंगर लाइक, और वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज थे, वहाँ पे रिच सप्लाई ऑफ ब्लड था, वहाँ से वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाहर फेंक दिया गया ब्लड में. ठीक है, ये हमने देखा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ने इतना करके रखा. बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन करना होगा, तभी तो आपके ऑर्गन्स काम करेंगे. एंड I need to explain you कि हमें एनर्जी क्यों चाहिए. बिकॉज आप एक पूरा मैंने लाइफ प्रोसेस का बताया था कि हमें एनर्जी बेसिकली क्यों चाहिए. हमारे ऑर्गन्स काम करते रहने चाहिए, हमारा काम, हमें जो टास्क अलॉट किया गया है वो चलता रहना चाहिए, और हमारी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन में काम करते रहने चाहिए. तो हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं एंड उन ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो पहला स्टेप स्टार्ट हुआ था, खाना खाया. उसके बाद उसने ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उसको डाइजेस्ट किया, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़कर ग्लूकोज बना दिया. व्हेन आई टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सो मैंने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाना खाया और मैंने क्या किया, उसको खा लिया, मेरे स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया. एंड नाउ यू नो ऑल दीज प्रोसीजर मैकेनिज्म विच हैपन्स इन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. और उसके बाद ग्लूकोज प्रोड्यूस हो चुका है एंड नाउ इट इज डम्प्ड इन टू द ब्लड. नाउ वॉट नेक्स्ट, एंड दैट गिव्स यू अ हिंट ऑफ द सेकेंड लाइफ प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन सीखना है तो वी शुड नो सम बेसिक्स. अब बेसिक्स क्या है इसमें, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाली हूँ यही पूरा बेस है रेस्पिरेशन का. सो वाइल वॉचिंग दिस वीडियो यू नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट, बहुत ज़्यादा अलर्ट होके ये पूरी लाइन को सुनो. अब ब्लड में क्या है, ग्लूकोज आ चुका है. मैं आपको बता दूँ, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए You need two things. First, you need nutrition. And second, very important, you need oxygen in order to get energy. ये formula याद रखो. अगर आपकी body को energy produce करनी है, आपके पूरे सिस्टम में दो चीज़ें होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. न्यूट्रिशन तो मुझे कहाँ से मिला, मेरे फूड से मिला, जो खाना मैंने खाया. ओके, खाना को खाया मैंने, उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक किया और मैंने ब्लड में डाला. क्यों ब्लड में डाला, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है. क्या है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, राइस कैन नॉट गो लेग्स में एंड ब्रेन में, ब्लड लेके जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, तो वो तो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है. सो माय डाइजेस्टिव सिस्टम नोज कि यस, हमारा कुली कौन है, हमारा कुली है ब्लड, तो उसने ब्लड को दे दिया, ले भाई तू अपना काम करना आगे चलकर. ओके, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. अब सेकेंड है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को पहुंचाना होगा ब्लड में, क्यों, क्योंकि ब्लड ही ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है. क्योंकि आपका पूरी बॉडी को सेल, पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से. वी कम इनटू दिस कैटेगरी ना, ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम है. व्हाई इट इज एन ऑर्गन सिस्टम, बिकॉज हमें कोऑर्डिनेशन है, फिर वो ऑर्गन से बना हुआ है. देन वी हैव टिश्यू, देन वी हैव सेल. तो मेरी पूरी बॉडी एक्चुअली देखा जाए तो सेल का एक पूरा, एक सेल का एकदम पूरा ब्लॉक है, एक कबर्ड है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, है या नहीं, यही है.
मैं यही हूँ बेसिकली. आई एम मेड अप ऑफ दीज सेल्स ओनली. फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन है? मेरे सेल्स है मेरी. तो हर सेल को क्या मिलना चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलना ही चाहिए, सो दैट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू उसका काम. अब मैंने क्या बोला? एनर्जी उसको चाहिए, एनर्जी उसको न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए. न्यूट्रिशन तो चलो तुमने खाना जो खाया उसको ब्रेक किया और ग्लूकोज को ब्लड में डाल दिया, ब्लड लेके गया क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, लेकर गया उसने ब्रेन को में पहुंचाया वो ग्लूकोज, उसने मेरे लेग्स में पहुंचाया, मेरी थाइस में, हर जगह एवरीथिंग, बॉडी के हर कोने पे वो पहुंच चुका है ब्लड लेके. बट क्या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो सफिशियंट है इतना ही? नो. नाउ आई नीड ऑक्सीजन एंड हाउ इट विल कम? It will come through the process of respiration. What is happening in respiration? I'm just giving you a... See, respiration, जब हम आप 8th, 7th या 6th में जब भी, जब आप छोटे थे तो आपको कोई respiration बोलता था, you always say, ma'am, it is breathing. Oxygen ले लो, breathe out कर दो CO2. That's all respiration in your definition? Yes. But now you, as you are in 10th standard, you have to change the definition. Respiration is not only breathing. Respiration is basically energy production. Breathing तो उसका पहला एक step है. Respiration में breathing पहला step है. अब क्या हो रहा है, क्या mechanism है, पहले वो समझो और उसके बाद क्या organs है मेरे पास वो बाद में देखेंगे. पहले क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है. तो सी what I'm going to do in respiration. Breathing करूंगी, मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, ठीक है. मुझे ऑक्सीजन कहाँ पहुँचाना है? ऑक्सीजन को मुझे पहुँचाना है मेरे सेल के पास, क्योंकि वहीं पे एनर्जी प्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है. मैं आपको हिंट दे रही हूँ. तो मैंने ऑक्सीजन ली, मेरे लंग्स में ऑक्सीजन भर गई, ठीक है. अब वहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी तो क्या करेगा? पहला स्टेप हो गया ब्रीदिंग, फिर दूसरा स्टेप होगा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड. ब्लड में क्योंकि वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, तो मैंने एक्सचेंज, पहले मैंने ब्रीदिंग कर ली, ऑक्सीजन को अंदर लिया, फिर लंग्स से पहुंचा आपका ऑक्सीजन इनटू द ब्लड. फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? फिर ब्लड क्या करेगा? टिश्यूज को दे. यस, लाइक दिस. या द फर्स्ट स्टेप विल बी ऑलवेज ब्रीदिंग. You have to change the definition, as I already said. Respiration का भी definition आपको change करना है. पहले breathing हुई, पहले सांस ली गई, oxygen अंदर पहुंचा, मेरे lungs में oxygen आ चुका है. Now there will be a exchange. If I say exchange मतलब मैं तुम्हें कुछ दूंगी तो you have to give me something. तो lungs ने blood को क्या दिया? Oxygen दी. क्योंकि मैं वही तो मैंने respiration के दौरान अंदर ली थी, ठीक है. एक्सचेंज वाली वो जो लाइन मैं अभी बोल रही हूँ उसको अंडरलाइन अपने दिमाग में करके रखो, बिकॉज ब्लड को भी कुछ देना होगा. एंड या यू ऑल हैव टू गेस क्या देना, क्या देगा रिटर्न में. तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल गिव यू द आंसर. तो पहला ब्रीदिंग की, ऑक्सीजन अंदर जा चुका है, लंग्स में पहुंच चुका है. नाउ ब्लड विल बी, ब्लड से, लंग्स से ब्लड को क्या मिलेगा? ऑक्सीजन. गैस का एक्सचेंज हो गया. फिर वो ब्लड से टिश्यू को मिलेगा, इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन, टिश्यू को दिया जाएगा. ब्लड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है. तो ब्लड से किसको मिला? टिश्यू को. टिश्यू से किसको मिलेगा? सेल को. और सेल क्या परफॉर्म करेंगे? रेस्पिरेशन. बिकॉज सेल इज परफॉर्मिंग द रेस्पिरेशन, इट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन. मेनी ऑफ स्टूडेंट्स गेट्स कन्फ्यूज कि रेस्पिरेशन इज ओनली अबाउट ब्रीदिंग. नो बच्चों, ब्रीदिंग तो उसका फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद स्टोरी शुरू होती है. अब मैंने आपको क्या बोला? एक्सचेंज होगा. तो मैंने सांस अंदर ली, मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, अंडरस्टूड. मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, ब्रीदिंग हुई मेरी, मैंने ब्रीदिंग के बाद मेरे लंग्स में जो ऑक्सीजन था आई हैव गिवन टू द ब्लड. ब्लड मुझे क्या देगा? ब्लड मुझे CO2 देगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, दिस इज ब्रीदिंग,
फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजन पहुंचा है, ये फ्लो चार्ट याद रखो, ऑक्सीजन पहुंचा है, ठीक है। ऑक्सीजन पहुंचा किसके पास? लंग्स के पास। ऑक्सीजन जब पहुंचेगा लंग्स के पास, वो किसको देगा? ब्लड को। ब्लड मेरे टिश्यू को देंगे और टिश्यू क्या किसको देंगे? सेल को। सो दिस इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ट्रेवलिंग ऐसे हो रही है, सांस ली, लंग्स में गया, लंग्स से डिफ्यूज, लंग्स से पहुंचा ब्लड में, ब्लड ने टिश्यू को दिया, टिश्यू ने सेल को दिया। बट व्हाट आई हैव सेड, व्हाट आई हैव यूज्ड द टर्म एक्सचेंज। एक्सचेंज मैंने कहा, तो अभी ऑक्सीजन यहां से गया, एक्सचेंज में तो कुछ होना चाहिए। तो यस, सेल्स क्या देते हैं इन रिवर्स, दिस इज द एक 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 साइकिल चल रही है। सेल क्या दे रहे हैं टिश्यू को? CO2। वो किसके पास जाता है? ब्लड के पास। ब्लड किसके पास जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स के पास क्या हो जाएगा? यू हैव टू ब्रीद आउट। समझा? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये ऑक्सीजन जो इनसाइड आ रहा है एंड रीचिंग टू दिस सेल, अब एक्सचेंज करना है, इसीलिए CO2 बाहर जाएगा। CO2 क्यों, कहां से आ रहा है वो भी मैं बताऊंगी, बट यू शुड नो कि ये जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रेवल करता है। तो रेस्पिरेशन के चार स्टेप्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है स्टेप्स? ब्रीदिंग होगी। लंग्स के पास क्या पहुंचा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने क्या किया? एक्सचेंज किया। क्या एक्सचेंज किया? CO2 उसको दिया, CO2 लंग्स को दिया और उसे क्या लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेकर वो पहुंचा किसके पास है? टिश्यू के पास। टिश्यू के पास से फिर एक्सचेंज होगा, उसका CO2 ले लेगा और ऑक्सीजन उसको दे देगा। ऐसे करते करते, क्योंकि ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम एंड दैट्स व्हाई द एयर जो आपको एयर जो आप ब्रीद आउट करते हो, इट कंटेन्स मोर CO2। फ्रॉम वेयर CO2 इज कमिंग, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन कमिंग स्लाइड। बट रेस्पिरेशन का फंडा पहले समझ लो। रेस्पिरेशन क्या है? 4 स्टेप्स होने वाले हैं। फर्स्ट विल बी ब्रीदिंग, देन सेकेंड विल बी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब लंग से ब्लड में ऑक्सीजन का जाना। उसके बाद टिश्यू रेस्पिरेशन, मतलब ब्लड में से टिश्यू के पास वो ऑक्सीजन को पहुंचाना, फिर टिश्यू से सेल के पास पहुंचाना ताकि वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो मेरी 2 रिक्वायरमेंट थी सेल को पहुंचाने की, एक था मेरा न्यूट्रिशन जो मैं सेल को पहुंचा चुकी हूँ, और दूसरा मुझे पहुंचाना था ऑक्सीजन। सो दिस इज द जनरल पाथवे विच आई हैव जस्ट सेड, बट उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है वो आपको सीखना है, एंड वेरी स्पेसिफिक विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट रेस्पिरेशन क्या होता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, लेट्स मूव अहेड। नाउ व्हाट आई सेड अर्ली, मुझे क्या चाहिए? मेरे ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए। न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन 2 रिक्वायरमेंट है। न्यूट्रिशन मुझे मेरे खाने से मिल जाएगी, ऑक्सीजन मैं रेस्पिरेशन करूंगी और उसको सेल तक पहुंचाऊंगी। कैसे पहुंचाऊंगी? एज यूजिंग ब्लड एज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, और यहाँ पे 4 लेवल पे 4 स्टेप में वो सेल तक पहुंच जाएगा। पहुंच गया, पहुंच जाने के बाद क्या होगा? अब पहुंच चुका है, पहुंच जाने के बाद 2 कंडीशन होगी। या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, मतलब मैंने जो रेस्पिरेशन किया यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ठीक है, और उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, बिकॉज सेल ने रेस्पिरेशन किया। नाउ द अनदर थिंग, अनदर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, दैट ऑक्सीजन जब अब्सेंट होगा उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम वाई आर टेकिंग ओनली ग्लूकोज, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स दे कम इन टू द कैटेगरी ऑफ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब उनसे जो आप जो उनसे रिलेटेड जो फूड आप खाओगे वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। वेर एज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रोटीन्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो क्या करते हैं? वो बिल्डिंग
मतलब बॉडी बिल्डिंग में यूज होते हैं. और विटामिंस मतलब यू हैव इफ यू हैव अ बैलेंस डाइट विथ यू, अगर उसमें विटामिंस है तो एक हेल्दी. बट व्हेन वी स्पीक अबाउट एनर्जी, एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है, सो यस द बेस्ट एग्जाम्पल इज ग्लूकोज. एंड यस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली अबाउट ग्लूकोज. ओके, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, आप फिर से डोंट गेट कन्फ्यूज कि ग्लूकोज कहाँ से आया. याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्बोहाइड्रेट टूटा, ग्लूकोज ब्लड में डाला गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पहुंच चुका है ब्लड में. अंडरस्टूड? अब ब्लड में सेल के पास ये दोनों चीजें पहुंच चुकी हैं, ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है और पहुंच चुका है ग्लूकोज. अब दो कंडीशन होगी, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी या तो ऑक्सीजन अब्सेंट होगी. ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रही तो दैट मैकेनिज्म इज नोन एज एरोबिक, वेयर एज इफ इट इज अब्सेंट इट इज नोन एज एनारोबिक, ऑल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन रिस्पेक्टिवली. ओके, लेट्स मूव अहेड. अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वी विल जस्ट दिस गोइंग टू सॉल्व. सो दिस आर द फ्यू लाइंस विच आई हैव टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. We have discussed nutrition in organism in the last session. हमने ये already discuss कर लिया है. In my previous video, we have already covered. The food material taken in during the process of nutrition is used in the cell to provide energy for various life process. सारी की सारी machinery for energy production is present in cell. More specifically, if I say mitochondria. ओके, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं. तो वो जो आपने न्यूट्रिशन लिया, आपने जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल या अमाइनो एसिड जो भी खाया, वो अल्टीमेटली सेल तक पहुंचता है और सेल उनको यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वे. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ यू अंडरस्टूड ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हो रहा था. जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप तोड़ोगे, जब आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, आपको बाय प्रोडक्ट मिलता है एनर्जी, सॉरी आपको एंड प्रोडक्ट मिलता है एनर्जी प्लस CO2. अभी वो इक्वेशन भी हम तुरंत अभी कवर करेंगे. तो आप जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ दोगे तो आपको मिलेगा CO2 प्लस एनर्जी. तो यही CO2 है विच इज गेटिंग एक्सचेंज्ड. ठीक है, नाउ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन. अब ब्रेकडाउन, सो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में, सो दे हैव अ डाइवर्स मैकेनिज्म ऑल्सो टू प्रोड्यूस एनर्जी. सम डू दिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक एंड सम डू नॉट, देन दे आर नोन एज एनारोबिक. Let's quickly understand this particular equation or flowchart and then we will start with the explanation. So you have ate carbohydrate rich food that is glucose. अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है और अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करनी है. बट हाउ कम ग्लूकोज को तोड़ने के बाद आपको एनर्जी मिलेगी? बिकॉज इफ यू रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था, सनलाइट से एनर्जी ली गई, प्लांट ने एनर्जी ली और अपने लिए फोटोसिंथेसिस किया और फूड बनाया. बाद में क्या दिया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया. तो जो एनर्जी सनलाइट से कैप्चर हुई थी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली इट वॉज स्टोर्ड इन दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जो केमिकल बॉन्ड्स है कार्बन के, उसमें वो एनर्जी स्टोर हुई. इसीलिए व्हेन यू ब्रेक दैट बॉन्ड यू गेट एनर्जी. सो दैट्स व्हाट इज इट इज गोइंग ऑन. सो लेट्स क्विकली सी. अब ये जो ग्लूकोज है वो प्रेजेंट, वो कहाँ पहुंच चुका है ट्रेवल करते हुए विद द हेल्प ऑफ ब्लड इनटू द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल में होता है. सो या द ग्लूकोज इज नाउ रीच्ड टू द सेल.
सेल में पहुंचा साइटोप्लाज्म के पास से। अब उसके पास तीन रास्ते हैं फॉलो करने के लिए। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, अगर अब्सेंट रहा तो कैसे प्रोड्यूस होगी। पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा मतलब एरोबिक कंडीशन रही तो क्या होगा, पहले वो देखते हैं। पहले ग्लूकोज इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑक्सीजन इज अब्सेंट और प्रेजेंट, इट विल बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इंटू 3 carbon molecule, दैट इज पाइरूवेट। तो ग्लूकोज में C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो कार्बन में इसमें कितने 6 carbon थे। फर्स्ट क्या होगा, 6 carbon को 3 carbon में 2 मतलब 2 पाइरूवेट बन जाते हैं और थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है। एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स। अब फॉर एग्जांपल व्हेन द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सी नाउ इट इज रिटन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एरोबिक कंडीशन एंड इट इज हैपनिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, इट्स अ पावर हाउस। क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड टोटल 38 ATP आर प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो फर्स्ट क्या हुआ, ये ग्लूकोज कहाँ से आया पता चला ना, खाना खाया वो सब याद आया, सेल तक पहुंच चुका है। अब इसको ब्रेक क्यों करना है, क्योंकि उसी में एनर्जी छुपी हुई है। वहां से साइटोप्लाज्म में पहुंचा, साइटोप्लाज्म में वहां पे क्या हुआ, उसको ब्रेक किया गया, पाइरूवेट बनाया, 6 carbon का कन्वर्जन हुआ 3 carbon में और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, द लोकेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू ब्रीद आउट इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ CO2। ओके, सो नाउ दिस इज द थिंग। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी है। अब ये कहाँ होता है बच्चों, जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या मैम ने आपको पनिशमेंट दी उठक बैठक लगाओ, जब ऐसे ऐसे आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अभी यूज बहुत हो रहा है और उसकी अमाउंट कम होगा, तो वो टाइम पे क्या आप करेंगे, आपके मसल सेल दे विल अंडरगो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे, मतलब इट्स अ टाइप एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, दैट इज लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है विच इज ये वाला, और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे और इससे 2 ATP प्रोड्यूस होता है, बिकॉज आर बॉडी दैट टाइम इट नीड्स बहुत ज़्यादा ATP, हमको एनर्जी चाहिए। When I will come on ATP also, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमको प्रोड्यूस करनी है एनर्जी, तो हमारा मसल सेल्स रुकते नहीं है, दे डोंट वेट। अभी यहाँ पे ड्यूरिंग द ऑक्सीजन जब कम है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो चुकी है, तो यस जो यहाँ पे सेल्स में बनेंगे वो मसल सेल में पहुँचने में उसको समय लगेगा, पर तब तक मसल सेल रुकते नहीं है, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग द लैक्टिक एसिड का, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सी लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। बट हियर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी मिली, यहाँ पे सिर्फ 2 मिलती है। और यहाँ पे बच्चों लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है आपके मसल सेल में, इसीलिए आपको दर्द होने लगता है। ओके सम मैम इट्स पेनिंग, मुझे पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। द अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एनारोबिक, दिस इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं है। इन दिस केस सी हियर ऑल्सो, हियर लैक ऑफ ऑक्सीजन, हियर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड या ईस्ट सेल जो होते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इसके बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, जो यूज करके हम लोग अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स को हमने बनाया है। तो ईस्ट क्या करते हैं, ईस्ट में है इथेनॉल, नॉट डेयरी प्रोडक्ट्स एक्चुअली, इट्स ब्रेड एंड शैम्पेन वाइन, आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स ऑल्सो। तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, सी हियर लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ऊपर वाला बिकॉज यहाँ पे इथेनॉल इज फॉर्म, इट इज नोन एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। मेजॉरिटी इट इज दिस एक्टिविटी शोन बाय द ईस्ट, बेकर्स ईस्ट सुना है आपने, तो वहाँ जो वो ईस्ट यूज करते ग्रेनुलर फॉर्म में, दैट ऑल्सो परफॉर्म्स दी
दैट परफॉर्म नॉट ऑल्सो इट परफॉर्म्स दी ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसमें भी इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू इन कमिंग स्लाइड्स. सो नाउ होप यू अंडरस्टूड. फर्स्ट वी हैव टेकन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से आया? नाउ यू ऑल नो इट इज देन इट इज रीच टू द साइटोप्लाज्म. फिर पायरुवेट में उसको कन्वर्ट कर लिया गया. फिर उसके पास तीन रास्ते हैं, आइदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी मिलेगी और लोकेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में. एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग्स में वही होता है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए. फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइजेस एंड ऑल, देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड देन माय मसल सेल इज गोइंग टू परफॉर्म द एनारोबिक रेस्पिरेशन. मोर स्पेसिफिक आई कैन से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड मुझे पेन होता है, मुझे पेन होगा मेरी मसल्स में इवन वो दो तीन दिन के लिए. वो बाद में क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड ना डिजोल्व हो जाता है ब्लड में, तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है. अदरवाइज अगर आपने बहुत ज़्यादा पुशअप और ये सब एक्सरसाइज जिम में की है तो और ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज की है तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण ही बहुत देन योर बॉडी स्टार्ट बॉडी स्टार्ट होता है. देन ईस्ट, ईस्ट जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है बट यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होगा इसलिए इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. नाउ लेट्स क्विकली रीड व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल इंटू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट. सो दिस इज व्हाट 6-3. Then this process takes place into the cytoplasm. If you recall, आपका जो cell है उसका एक nuclear part होता है और एक cytoplasmic part होता है. Cytoplasm में glucose पहुँचा है, उसको तोड़ा जा रहा है और pyruvate बनाया जा रहा है. Further, the pyruvate may be converted into ethanol or carbon dioxide. See, it is these lines actually वो explanation है, वो आपके वो तीन ये इस चीज ये जो मैं पढ़ रही हूँ अभी explanation है इस सब का. तो the further the pyruvate may be converted into ethanol or carbon dioxide तो yeast करेगा और इसको बोलते हैं alcoholic fermentation. This process takes place in the yeast. During fermentation, since this process takes place in absence of oxygen, it is also known as the anaerobic respiration. Am I right? Breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria. This process breaks the carbon molecule into further carbon dioxide, water, and energy. The other product is water. Since the process takes place in the presence of oxygen, it is known as aerobic respiration. If you have understood वो पूरा एक तीनों equation और मेरा जो basics मैंने जो आपको सिखाए तो ये चीज़ें exam में लिखने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएंगी. Now lactic acid, the release of energy in the aerobic process is lot greater than anaerobic process. Yes, 38 ATP produce होती है aerobic respiration में और अगर anaerobic respiration होता है तो सिर्फ 2 ATP produce होती है. ये ATP का क्या फंडा है अभी सिखाती हूँ. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of pyruvate is taken place because I need energy. So मैं कैसे भी करके मेरे muscle cell, मेरी body energy produce करना start करेगी. तो वो क्या दूसरा pathway follow करती है? Lactic acid वाला. Here the pyruvate is converted into lactic acid which has a 3 carbon molecule. The buildup of lactic acid in our muscle during sudden activity causes cramps. So if हैवी एक्सरसाइज करोगे तो लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन को आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपके मसल सेल परफॉर्म करेंगे लैक्टिक एसिड एंड ड्यू टू दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस सम क्रैम्प्स. नाउ इफ यू नो ऑल दिस अभी अगर समझा होगा सो यू ऑल कैन ईजिली आंसर टू दिस क्वेश्चन व्हाई वी फील टायर्ड, थक क्यों जाते भागते भागते. बिकॉज हमारी एनर्जी यूज हो रही है, फटाफट हमने यूज कर ली, हमारी बॉडी को एनर्जी की
ज़रूरत है। एंड हमारी बॉडी क्या धीरे धीरे ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है क्योंकि हैवी एक्सरसाइज हो रही है, तो पूरी तरह कहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है, लैक्टिक एसिड पे। किस पे प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड पे। तो लैक्टिक एसिड पे जब प्रेजेंट रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे। तो हैवी एक्सरसाइज करते टाइम लैक्टिक एसिड पे मैं पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाऊंगी धीरे धीरे, बिकॉज ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, तो हम क्या होते हैं, हम थक जाते हैं, बिकॉज हमें लैक्टिक एसिड भी हमारे हमें बॉडी एक हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत वी ईट समथिंग, एनर्जी प्रोडक्ट के लिए कुछ खाते हैं। सेमी सॉलिड और डिस्टिंक्ट टेस्ट टू दिस कर्ड एंड वॉट वाई, बिकॉज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपके मसल सेल में तो होता ही है, पर आप जो वो दूध में जो दही का एक स्पून डालते हो, इनोक्युलेट बोलते हैं उसको, इन मराठी इट इज विरजण एंड इन हिंदी इट इज जामन जो डालते हो, इट इज एक्चुअली अ रिच सोर्स ऑफ लैक्टोबेसिलाई, जो भी वो भी ये बैक्टीरियाज हैं, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं पता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। जैसे ही मिल्क में एसिड फॉर्म होना स्टार्ट होता है, प्रोटीन कॉगुलेट हो जाते हैं एंड इट रिजल्ट्स इनटू द डेंस ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ द दही। Now let move to ahead. Champagne, I was telling you कि I'm going to give you some good examples of yeast and everything. Muscle cell का बताया lactic acid हो रहा है, along with that एक microorganism बताया lactobacilli जो lactic acid fermentation कर रहे हैं, and yeast का example ये है। yeast को क्या करते हैं, ये it's a wine ना, champagne है, ये famous क्यों है इसके, जब when you open tiny bubbles come out, why? Because of the CO2. When the bottle is closed, it is allowed for the fermentation. तो जब इसका fermentation allow करते हैं तो क्या by product मिलता है, CO2. So when you open that bottle, you get the teeny bubble which is coming out, and for that the champagne is famous. Now very important and best example of yeast. This is the porous structure in bread. What happens? डो बनाते हैं हम लोग, ब्रेड बनाने के लिए डो रहेगा, डो में क्या डालेंगे, ये ईस्ट डालते हैं, बेकर्स ईस्ट डालते हैं। वो बेक आपका केक स्पॉन्जी ऐसा क्यों रहता है, बिकॉज इसमें क्या रहता है, ईस्ट। ईस्ट क्या है, इट्स एनारोबिक, इट्स एक्चुअली ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। उसको मैंने डाला मेरे डो में तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम उसको ग्लूकोज, उसको कुछ ब्रेक डाउन होने के लिए चाहिए ना, तो जो डो है जो उसमें जो फ्लावर यूज किया गया डो बनाने के लिए, उसमें क्या था, उसमें ग्लूकोज होगा, उसको ईस्ट क्या करेगा, अपने लिए यूज करेगा, उसको तोड़ेगा, और जैसे ही तोड़ेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल और CO2। तो जैसे ही वो CO2 प्रोड्यूस होगी उसमें, तो देखो डो राइज हो जाता है, डो राइस होता है, फिर आप उसको एक मोल्ड में डाल के ब्रेड बनाते हो, और उसको जब अवन में ब्रेक करने को डालते हो तो दैट CO2 एस्केप आउट। इससे क्या होता है, दैट पोर, दिस पोरस स्ट्रक्चर कम्स टू दी ब्रेड, एंड दैट इज व्हाट द ईस्ट का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यू ऑल शुड नो। सो नाउ दिस इज दी सिंपल डिफरेंस, एक्चुअली इट इज अ चार्ट विच आई हैव जस्ट मेड की इन ऑर्डर टू शो यू कि एरोबिक और एनारोबिक में फ़र्क क्या है, फीचर्स के हिसाब से क्या क्या डिफरेंस है वो देखते। फीचर्स है पहला ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, यू ऑल कैन राइट बिकॉज नाउ यू नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एरोबिक रेस्पिरेशन में होगी, येस होगी, एनारोबिक में नॉट रिक्वायर्ड। अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा ही नहीं, साइटोप्लाज्म में, एंड दैट्स वाई इनकम्प्लीट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के ही पास सारी मशीनरी है। ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक इन प्लेस, मतलब जो ग्लूकोज में जो छिपी हुई एनर्जी है ना, उसको पूरी तरह खींच के बाहर निकालेंगे, हियर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एंड प्रोडक्ट्स CO2 एंड H2O, हियर CO2 एंड इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, डिपेंड करता है कहाँ हो रहा है, मसल सेल में होगा तो लैक्टिक एसिड होगा, ईस्ट परफॉर्म करेगा तो अल्कोहल बनेगा। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल खाया तो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो 38 ATP बनेंगे, वेयर एज अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो सिर्फ 2 ATP बनेंगे। सो
आई कैन से कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38, एनारोबिक में 2, तो आई कैन से एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इनएफिशिएंट. नॉट इतना एफिशिएंट नहीं, बट यस इट इज नॉट कम्प्लीटली कि इसको डिस्कार्ड, नो आई विल नॉट यूज दिस काइंड ऑफ मेथड. नो, सम बैक्टीरिया, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सम बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन अ कंडीशन और सराउंडिंग वेयर द ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली अब्सेंट और बहुत ही लैक ऑफ ऑक्सीजन है वहाँ पे, सो दे फुल्ली डिपेंड ऑन द एनारोबिक रेस्पिरेशन. Now, when I was talking about the energy production, I would like to know, introduce you with ATP. ATP का भी students को बहुत confusion होती है कि ATP is energy. No, it's an energy currency. It is an energy carrier. वो energy carrier है. ठीक है? The energy released during the cellular respiration. जो अब आपने जो chemical equations देखी होंगी chemistry की, हमेशा आपने जो chemistry में पढ़ा होगा. तो जब कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे जो हाईली एनर्जेटिक होंगे. ऐसा कुछ होता है केमिकल इक्वेशन में, रिएक्शंस में. तो वैसे ही यहाँ पर ग्लूकोज को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है. 6 कार्बन है, उसको तोड़ा जा रहा है, एनर्जी तो रिलीज होगी. तो तुरंत वो मैं एनर्जी वो सेल यूटिलाइज नहीं कर सकता अपने लिए, तो उसको किसी के पास देना होगा. तो दैट इज द एनर्जी कैरियर. और यहाँ पे एनर्जी कैरियर कौन है? एटीपी. इट इज द सेम, यू कैन कंसीडर लाइक एन एनर्जी करेंसी. अगर आपको 2 ग्राम एनर्जी चाहिए तो आपको एटीपी की करेंसी आपको देनी होगी. हाउ यू गिव टू शॉपकीपर, मुझे ये सब्जी चाहिए तो इतने रुपए में इतना मिलेगा, वैसा ही कॉन्सेप्ट है. ATP is an energy currency, उसको दोगे तो एनर्जी मिलेगी. The energy released during the cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. Why? Because the energy which is released during the breakdown of glucose cannot be immediately utilized by the cell. So it need to be stored in a molecule that is known as energy carrier, and that is nothing but the ATP, which is used to fuel all the activities in the cell. In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy. I was explaining you, shopkeeper ke paas gaye to fix, itne paise mein itna hi milega. To wo ATP utni aapko deni, aapko utni energy milegi. Amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. तो अब आगे चल के जब सेल को काम करना है, एज एंड वेन इट इज रिक्वायर्ड, एटीपी को यूज करो और एटीपी यूज करो और अपना काम करो. अब मैंने बोला कि एटीपी को यूज कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन दिस एटीपी एज योर फोन. अब अगर मैंने फोन से इसकी तुलना, इसकी कंपैरिजन कर दिया, सो नाउ आई कैन से हियर कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी कैरियर्स हैं, या जो ये एनर्जी करेंसी है एटीपी, मोबाइल फोन से मैंने इसको कंपेयर किया, दे आर द रिचार्जेबल बैटरीज. तो अगर आपका फोन डिस्चार्ज होता है तो आप उसको फेंक देते हो? नहीं ना, उसको रिसाइकल करते हो. सो वेन द एटीपी इज नॉट चार्ज Not fully charged, it is known as ADP. When it is fully charged, it is ATP. Only one phosphate group. It is ADP and यहाँ पे एक और लगा दिया. See, जैसे जैसे bonds increase होते, see, little bit energy, एक phosphate group आया. Some energy, a lot energy. So this is the structure of ATP. When this phosphate group is absent, it is known as ADP. So now, energy released by glucose is first transferred to the energy carrier molecule, that is nothing but the ATP. तो यहाँ पे आप बार बार ये मत नहीं होगा कि एनर्जी डायरेक्ट प्रोड्यूस हो गई. नहीं, जैसे ही मैंने बोला कि ATP प्रोड्यूस हुई है, तो मतलब आप समझ जाओ एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है. क्योंकि उसी के पास क्या, मुझे पैसे मिल गए, आई कैन बाय नाउ. तो मैंने करेंसी, मैंने पैसे कमा लिए, नाउ आई कैन, मैं अपने मन की चीजें खरीद सकती हूँ. और यहाँ पे मन की चीजें नहीं है, यहाँ पे क्या है, एनर्जी. तो करेंसी मेरे पास है, तो आई कैन बाय एनर्जी फॉर माई सेल. तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या एम होता है, एटीपी प्रोड्यूस करना. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि एटीपी प्रोड्यूस कर लिया तो एनर्जी है. नहीं, इट इज नॉट, बेसिकली इट इज नॉट एनर्जी, इट इज ए एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल.
नाउ इफ आई से दिस इज अ रिचार्जेबल बैटरी, तो मैंने क्या बोला, फोन फेंक नहीं सकते ना, तो क्या करते हैं, ये रिसाइकलिंग होती रहती है, ये आपकी बॉडी में दिन पूरे दिन रिसाइकल होता रहता है। मतलब अभी एटीपी भरा हुआ है, फुल्ली चार्ज है, वर्क हुआ, आपने कोई टास्क कंप्लीट किया, वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एटीपी से एनर्जी को रिलीज कर दिया गया, इट अगेन कन्वर्टेड इनटू एडीपी, फिर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, इसमें एनर्जी फिर से भरी जाएगी, फिर एटीपी, फिर यूज करो, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो रिसाइकलिंग होती रहती है, रिचार्जेबल बैटरीज हैं। जब फोन डिस्चार्ज हो जाएगा उसको बोलेंगे एडीपी, जब उसको 100% चार्ज कर दोगे एटीपी, और उसको जब यूज करते जाओगे तो उसके परसेंट को आप क्या करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो उसको रिसाइकल करना होगा, उसको फिर से एनर्जी देनी होगी, तो कैसे दोगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, एनर्जी रिलीज होगी और उसमें डाल दोगे फिर से। तो यहाँ पे आपकी बॉडी ऐसे कंटिन्यूसली काम कर सकती है। तो दिस इज दिस सम इंट्रोडक्शन, सम बेसिक अबाउट रेस्पिरेशन। In next video, we are going to start with the human respiratory system. Some part we will cover like plants में कैसा होता है, fish में कैसा होता है. But yes, our target is to learn something respiration in humans. Yeah, human respiratory system को cover करेंगे. Meanwhile, what I would like to suggest, you have to revise this video. You have to watch this video and revise these basic concepts. So that जब मैं respiration आपको सिखाऊँ, you don't get confused. This is a separate video which I have made only for basics. Because these terminology I'm going to use when I will explain human respiratory system. तो इस पूरी को revise करो. And yes, next video will start with the human respiratory system, students. Till then, revise everything. Stay safe. Thank you.